आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप सबका यहाँ दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छा भैया बताओ क्या हो रहा है? आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं, नाम क्या? नरेंद्र मोदी। तो जो भी नरेंद्र मोदी कहते हैं प्रधानमंत्री मुझे बनाओ और किसानों को मैं अपने पैरों पे खड़ा कर दूंगा। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। बहुत अच्छा बोले नरेंद्र मोदी जी ने। कर्जा माफ किया 10 दिन के अंदर, कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। यहाँ कर्जा माफी का फायदा मिला आपको? किसी को मिला पैसा? नो सर, नहीं दिया। अब मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर लोगों को 1,40,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दे दिया। तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे खून के लिए, हमारे पसीने के लिए भी आपको हमें कर्जा माफ करके देना ही पड़ेगा। नहीं, तुम सूट बूट वाले नहीं हो। अब सूट नहीं पहनते हम, सिर्फ सूट बूट वालों का कर्जा माफ करते हैं। कर्जा माफ कराना है सूट बूट पहन के आओ, फिर देखेंगे। क्या ये आपको सही लगता है? क्या ये आपको ठीक लगता है? यस, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है। राहुल गांधी, हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ उगाते हो। हाँ जी गुरुजी। लखनऊ में आम, अमेठी में टमाटर, इलाहाबाद में अमरूद, प्रतापगढ़ में आंवला, अमेठी में टमाटर, लखनऊ का आम, इटावा आलू, आलू मटर, इलाहाबाद का अमरूद। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी का पोता, राहुल गांधी जी का बेटा, मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? गांव में है, गरीबों के बीच में है। उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, यूपी में बुलाओ उसको, जरूरत है। यूपी के लोग कुछ नहीं समझते हैं, गंगा माँ ने अपने बेटे को बुलाया। आखिरी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।